चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी टेस्टी ऑमलेट पिज्जा, वो भी लेफ्ट ओवर चपाती के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज। थैंक यू। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज टमाटर बारीक कटा हुआ, क्यूब्स में कटी शिमला मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च, 5 अंडे और 3 लेफ्ट ओवर चपाती। चपाती मैंने लंच में बनाई थी, उसी में से 3 बच गई है तो हम उसी का यूज करेंगे। अभी हम एक बाउल में 2 अंडे लेंगे, 3 नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चपाती को डिप करेंगे। चपाती के ऊपर अच्छे से बैटर लग जाना चाहिए। आयरन के तवे को ऑयल से या बटर से अच्छे से ग्रीस करेंगे और प्रिपेयर्ड चपाती तवे पर डालकर दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर हम आयरन पैन की जगह नॉनस्टिक पैन का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी चपाती को रेडी करेंगे। चपाती को सेकते टाइम हम इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाएंगे, इससे उसे थिन क्रस्ट पिज्जा का टेक्सचर आएगा। अभी हम ऑमलेट तैयार करेंगे। उसके लिए सेम बाउल में थोड़ा प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे। एक अंडा डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पैन में थोड़ा ऑयल या बटर डाल के प्रिपेयर्ड बैटर डालेंगे। और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। अभी हम इसे पलट देंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसे नीचे से ज्यादा नहीं पकाना है। सब्जियां थोड़ी क्रंची रहनी चाहिए, अच्छी लगती है। अभी हम इसे प्रिपेयर्ड चपाती के ऊपर निकाल लेंगे। इससे ऑमलेट उठाने में आसानी होगी और डायरेक्ट प्लेट में न रखने की वजह से इसे पानी भी नहीं छूटेगा। इसी तरह से हम बाकी ऑमलेट को भी तैयार कर लेंगे।
अभी हम प्रिपेयर चपाती लेंगे और उस पर टोमेटो केचप अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर हमें पिज्ज़ा सॉस लगाना था लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं टोमेटो केचप से ही काम चला लेती हूँ। टोमेटो केचप का भी टेस्ट इस पिज्ज़ा में बहुत अच्छा आता है। अभी हम इसके ऊपर प्रिपेयर्ड ऑमलेट रखेंगे और चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। इसी तरह से हमें इसके ऊपर लेयर्स बनानी है। अभी हम पैन में ऑयल या बटर डाल के गरम करेंगे और प्रिपेयर्ड पिज्जा रखकर इसे अच्छे से ढक देंगे। पिज्जा को कवर करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। मिनट बाद इसे खोलकर चेक करेंगे और हमारा ऑमलेट पिज्जा रेडी है। अभी हम इसे चिली फ्लेक्स और ओरिगानो से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वेरी टेस्टी ऑमलेट पिज्जा सर्विंग के लिए रेडी है। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब प्लीज। Thank you.